NEET नीट वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया. कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. मोर देन 15 लाख स्टूडेंट अपीयर फॉर दिस एग्जाम एवरी ईयर. प्रैक्टिस सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है. तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं? क्या वो बॉन्ड टॉपर होते हैं? किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होता है, किसी का सेकेंड अटैम्प्ट में होता है, और किसी को बहुत अटैम्प्ट लग जाते हैं. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनोवर नास, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU. टुडे आई एम हैविंग माय जूनियर फरहा नासिर खान विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 649 विद अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 682 आउट ऑफ 720 इन नीट 2022. सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फरहा. थैंक यू वेरी मच. सो फरा आज हमारे साथ अपनी नीट की जर्नी शेयर करेगी, उसने कैसे प्रिपेयर किया नीट के लिए ताकि नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके. तो आज हम फरा से उसकी नीट की स्ट्रेटेजी पूछेंगे. तो सबसे पहले फरा आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें. हेलो एवरीवन, आई एम फरा नासिर खान. आई एम फ्रॉम अलीगढ़ एंड आई स्कोर्ड अ रैंक ऑफ 649 एंड मार्क्स 682 आउट ऑफ 720 एंड आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम इस्लामिक मिशन स्कूल अलीगढ़. अच्छा, आपने यहीं से कोचिंग की? यस, यहीं से करी मैंने कोचिंग. सो बहुत से बच्चे सोचते हैं अगर आप नीट के लिए बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फरहा ने यहीं से अलीगढ़ से कोचिंग की थी और ऐसे नॉर्मल सी कोचिंग की थी, फिर भी उसने बहुत अच्छी नीट में स्कोर रैंक अचीव की. फरहा आपकी डेली रूटीन क्या थी नीट के लिए? मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती थी, 5 से 8 बजे से मेरी कोचिंग होती थी, तो उसमें नहाना खाना और थोड़ा रिवीजन हो जाता था. 8 से लेकर 2 बजे तक तो मेरी कोचिंग होती थी. टू ओ क्लॉक से लेकर 4:30 तक मेरा रेस्ट होता था, दोपहर का खाना खाया और 4:30 से फिर मैं 8 o'clock तक पढ़ाई करती थी और 8 से लेकर 9 तक मैं बीच में डिनर करती थी और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी और फिर 9 से लेकर 11:30 तक मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती थी. अच्छा, आपकी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या थी? मेरी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच ये थी कि जो फिज़िक्स है वो उसकी मैं NCERT पढ़ती थी. लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ी है मैंने फिज़िक्स की, और जो इन बीच में चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते थे और एंड ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चन होते थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट किए थे, और जितने भी फार्मूला होते थे फिज़िक्स के वो मैं अलग एक कॉपी बना रखी थी उसकी, उसमें सारे फार्मूले मैंने लिख रखे थे और डेली मैं उनको रिवाइज करती थी. और मैंने संगेज की जो फिज़िक्स नीट आती है वो लगाती थी मैं बस. केमिस्ट्री के लिए मैंने संगेज की केमिस्ट्री नीट आती है तो वो लगाती थी मैं. और केमिस्ट्री में अब 3 चीज़ें होती हैं, एक तो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है. फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने सारे फार्मूले एक जगह लिख रखे थे और जितने भी क्वेश्चन थे NCERT में, चाहे वो बिटवीन द चैप्टर हों एंड ऑफ चैप्टर हों, वो सारे किए थे मैंने. और इनऑर्गेनिक के लिए ज़्यादातर रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ती है, बस आप बार बार उसे पढ़ते जाइए वो याद होती रहती है. और उसके इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए मैंने जितने भी नेम रिएक्शंस थे वो सब एक जगह लिख रखे थे, और जितने भी रिएजेंट्स थे और उनका क्या काम है उसकी अलग से एक टेबल बना रखी थी. और जो लास्ट ही चैप्टर जो था ऑर्गेनिक की, उसे मेनली याद करना ही होता है, तो उसे मैंने अलग से एक पेज पे लिख रहा ताकि मैं उसे ज़्यादा रिवाइज करती रहूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती थी वो लास्ट 3 चैप्टर्स. अच्छे, तो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा वीक सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक ही था, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि मेरा रिवीजन फास्ट हो और जल्दी याद भी रहे. और बायो कैसे पढ़ती थी आप? और बायो के लिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते वो मैं अंडरलाइन करती थी, और जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक पेज पे पूरा चैप्टर समराइज कर दी ताकि मैं उसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाऊँ, ताकि मुझे मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रहें. और बायो नीट लगाई थी मैंने उसके लिए. बहुत से बच्चों का ये होता है कि जब 11th और 12th में डिसाइड करना होता है कि मैथ्स लें या बायो लें, तो जिन्हें मैथ्स नहीं आती वो बायो ले लेते हैं, फिर अगर बायो ली है तो फिर मतलब उन्हें मेडिकल ही लाइन चूज़ करनी है. तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था कि मेडिकल लाइन क्यों चूज़ करना है? मेरे नाना को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने PCB ले ली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो भी गया उसमें. तो लगातार पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप जब पढ़ते थे, जब बोर हो जाते तो आप क्या करते थे? कि 1 घंटे में पढ़ाई करती, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती. उस 10 मिनट के ब्रेक में आप जो आपकी हॉबी हो आप वो कर सकते हैं, जैसे कि कभी पेंटिंग कर ली, कभी ड्राइंग, जैसे मोबाइल में ज़्यादातर मोबाइल देखती थी, और कभी कभी बीच में पेंटिंग भी कर ली थोड़ी सी. अच्छा, आप टेस्ट कैसे देते थे मतलब कोचिंग में? कोचिंग में जो वीकली टेस्ट होते थे वो देती थी, और एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी मैंने,
कैसे नंबर आते थे आपके टेस्ट में? वीकली टेस्ट पे तो मेरे 540 या फिर 560 ऐसे ही मार्क्स आते थे, और वीकली टेस्ट में मुझे लगता है कि अगर कम भी आए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही या दो तीन चैप्टर से ही पूछा जाता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो तो फुल सिलेबस टेस्ट होता है, तो उसमें मेरे 630 या फिर 640 प्लस मार्क्स ही आते थे। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत कम मार्क्स भी आए हों? हाँ, एक दो बार ऐसा भी हुआ है बहुत कम मार्क्स आए थे, 590 या फिर 600, तो उसके लिए तो कैसे ओवरकम किया उससे, मतलब? तो उसके लिए इतना डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या जो गलतियाँ होती थी मैं उसे देखती थी, उसमें फिर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखती थी, और जिस टॉपिक में से वो गलत हुआ है वो टॉपिक फिर से पढ़ती थी, और उसी के अकॉर्डिंग 10-20 क्वेश्चन में फिजिक्स नीट से या किसी भी अपनी क्वेश्चन बुक से लगा लेती थी। जो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट होता है नीट वगैरह में तो रिवीजन, तो आपने कैसे अपना पूरा रिवाइज कर लिया था होल सिलेबस को? नीट के एग्ज़ाम के 3 महीने पहले ही सिर्फ रिवीजन और फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे मैंने, और जो मेरा फर्स्ट रिवीजन था उसमें मुझे 20 से 25 डेज लगे थे उसे पूरा करने के लिए। फिर जब मैंने सेकेंड रिवीजन किया तो मैंने उसे कम करने की कोशिश करी, तो वो 10 दिन में हो गया। उसके बाद फिर थर्ड जब रिवीजन किया तो उसे कोशिश करी कि मैं 7 डेज में पूरा कर लूँ उसे, तो 1 हफ्ते में मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। ऐसे मल्टीपल रिवीजन्स किए थे मैंने 3-5-6 बार। अच्छा, तो नीट के एक दिन पहले आपने क्या किया था? नीट के एक दिन पहले मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने बस रेस्ट लिया था। हाँ, बस ऐसी थोड़ा इधर उधर पेज पलट लिए थे, और जितनी और जो बहुत टेंशन भी हो रही थी लेकिन उसे थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, की अप्रोच क्या थी नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की? मेरी अप्रोच ये थी कि मैं पहले बायोलॉजी सॉल्व करती थी, उसके बाद फिर बायोलॉजी में सबसे पहले मैं जूलॉजी सॉल्व करती थी, फिर बॉटनी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अच्छा, कोई मैसेज जो आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहें? ये कि नीट की जो तैयारी होती है उसमें बहुत स्ट्रेस भी होता है और बहुत टेंशन भी होती है, और कभी कभार ये होता है कि कुछ दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ दिन ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। उसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। हाँ, एक्चुअली ये यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला है कि नीट एस्पिरेंट 16 आवर्स स्टडी, ये तो हमें बहुत ज़्यादा इन सबको नहीं देखना है। मतलब इंस्पिरेशन या मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन बहुत से बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं ऐसी वीडियोस देख के। तो सबके साथ ऐसा होता है कि कोई दिन बहुत प्रोडक्टिव हुआ या कोई दिन बहुत लो हुआ, तो हमें ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए ये सब वीडियोज़ को। हमें अपना पढ़ते रहना चाहिए, दूसरों से कंपेयर ना करें, और ख़ुद पर बिलीव रखें, और जो है प्लान बनाएं प्रॉपर, और उसको एग्जीक्यूट भी करें। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बस प्लान ही बनाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, और कुछ बच्चे हैं कि जो है बस पढ़ते जा रहे हैं, कोई वो नहीं है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू फरहा। तो आपको अगर नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।